सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। एक सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन एक सूर्योदय हमें आशा भरा एक और दिन दे देता है। सुबह जैसा होता है मांगने पर नहीं जागने पर मिलता है। बेवजह यूं खामोश होके बैठा है, न जाने कौन सा अफसोस लेके बैठा है। ख्वाहिशों की पतंग को थोड़ी ढील दे, अपने ख्वाबों के उड़ान को नई मोड़ दे। आज का पंचांग 9 मार्च 2022 दिन बुधवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 2:57 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कृतिका नामक नक्षत्र सुबह 8:31 तक रहेगी। इसके उपरांत रोहिणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:36 से 2:05 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगे। धनु राशि 9 मार्च 2022 दिन बुधवार, आप इस समय आध्यात्मिक स्वभाव के हैं। अपने विश्वासों को मजबूत करें और कुछ नया सीखने के मौके का उपयोग करें। माता पिता या उनके जैसा कोई आपको ज्ञान दे सकता है। आप अभी शांत हैं और खुले दिमाग से जीवन को खोजने के लिए तैयार हैं। अपने अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें और अपनी पसंद के काम करें। आज किसी भी प्रकार के निर्णय लेने से बचें, खासकर नौकरी और करियर के बारे में बातचीत में थोड़ी सी विनम्रता शामिल करें, आपको फायदा होगा। आज नजदीकी लोगों के साथ मेल मुलाकात और मनोरंजन संबंधित कार्यों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। किसी खास समस्या का भी हल निकलेगा। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर पूरी तरह गंभीर और असहज रहेंगी। आपके द्वारा नज़रअंदाज किए गए कुछ निर्णय के कारण लोगों से सकारात्मक तकलीफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसी भी प्रकार का कर्ज खुद पर बिल्कुल ना बनने दें। लोगों का उधार चुकता करने में समय लगेगा। एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ ना बढ़ने दें। क्लाइंट के पास अटके हुए पैसे जल्दी प्राप्त होंगे। अन्य लोगों के विचार या राय की वजह से पार्टनर के लिए नकारात्मकता बढ़ सकती है। पैर दर्द और शारीरिक कमजोरी महसूस होगी। सावधानियाँ, इस समय बहुत ही सावधानी और समझदारी से व्यवस्था बनाकर रखने की जरूरत है। व्यर्थ की गतिविधियों में अधिक खर्चा हो जाने से मन कुछ परेशान रह सकता है। अपने सामर्थ्य से अधिक उधार लेने से भी परहेज रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। माता पिता या घर पर आया कोई संकट आपके धार्मिक झुकाव को और भी बढ़ा देगा। ऐसे में आपका साथी आपको आराम प्रदान करेगा। अपने साथी से प्यार का इजहार करने के लिए उसे किस आलिंगन फुल चॉकलेट या किसी खास उपहार के साथ साथ अपना समय भी दें। कार्यस्थल के लोगों के साथ समय बिताएं और विचारों को बांटें। आज आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं। आज अपने दोस्त बनाना चाहते हैं जो आपकी मदद करें। हमेशा स्पष्ट बात करें और याद रखें किसी को ठेस ना पहुंचे। प्रेम के बंधन में बंधने से पहले अच्छे से जान ले कि क्या आप सच में उससे प्यार करते हैं। इन मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं है। बात करते हैं करियर की। परिवार की तरह के व्यक्ति या अधिकारी की सलाह के बाद लें। उच्च शिक्षा के लिए विदेश यात्रा की भी संभावना है। करियर में परिवर्तन करना अभी कुछ देर इंतजार करें। आज कानूनी मामले भी आपको परेशान कर सकते हैं। आज व्यस्त दिन से समय निकालकर अपना ध्यान अपने मित्रों के साथ घूमने और अपने शौक पूरा करने में केंद्रित करें। कार्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। नए दोस्त या दुश्मन आज आपके आसपास हैं और आपकी मदद कर सकते हैं या आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको लाभ होगा। बात करते हैं सेहत की। दांत के दर्द की समस्या बढ़ सकती है।
एसिडिटी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। पैर दर्द और शारीरिक कमजोरी भी महसूस होगी। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।